दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार मानवीय सभ्यताओं की शुरुआत तो कुछ ही हजारों सालों पहले की गई है, लेकिन धरती के गर्भ में दफन आर्टिफैक्ट्स कुछ और ही इतिहास बयान करते हैं। हाल ही में हुई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज से कुछ ऐसे ही गहरे राज सामने आए हैं जो कि बेहद चौंका देने वाले हैं। हमारी धरती में ऐसे कई राज दफन हैं जिनकी खोज करने पर डार्विन के इवोल्यूशन के सिद्धांत पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों आज मैं आपके लिए खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को मिली कुछ ऐसी ही चीजों और जगहों की खोज करके लाया हूं, जिन्हें देख आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों अट्रैक्टिव दुनिया चैनल के इस नए एपिसोड में खो जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द अंडरग्राउंड सिटी ऑफ डेरिनकुयू। टर्की में खुदाई के दौरान जमीन के नीचे एक रहस्यमयी शहर की खोज की गई है। ये शहर हजारों सालों पहले जमीन के 60 मीटर नीचे तक खोद कर बनाया गया था। इसे दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिटी के तौर पर जाना जाता है। ये शहर इतना बड़ा है कि इसमें 20,000 से भी ज्यादा लोग आराम से रह सकते थे। अगर आप लोग भी ऐसे ही किसी शहर जो कि जमीन के नीचे बनाया गया हो और जहां पर 20,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ रह सकते हों के बारे में आज तक कल्पना भी कर सकते थे तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आखिर इन लोगों को हवा और पानी कैसे मिलता होगा? पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार इस अंडरग्राउंड शहर में प्रवेश करने के लिए पत्थर के बने 2 दरवाजे लगाए गए थे जो कि सिर्फ अंदर की ओर से ही खोले जा सकते थे, और एक बड़ी वेंटिलेशन सुरंग भी बनाई गई थी जो कि सीधे जमीन के नीचे बनाई गई पानी के कुएं से जोड़ी गई थी। इसी वेंटिलेशन सुरंग के जरिए जमीन के नीचे बसे शहर में हवा प्रवेश करती थी और कुएं के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता था। अभी तक पुरातत्व वैज्ञानिक यह समझने में नाकाम है कि यह शहर आखिर किसने और क्यों बनाया होगा। नंबर 2, द लोंगयू केव्स। सन 1992 में चाइना के एक प्रांत लोंगयू के किसान तालाब बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक से इन 5 गुफाओं की खोज हुई। करीब 1000 स्क्वायर मीटर के आकार की यहां पर 5 गुफाएं मिली हैं, जो कि बड़ी ही अजीब है। पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार इन गुफाओं को मनुष्यों द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन अगर ऐसा ही है तो इन गुफाओं का जिक्र किसी भी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स में क्यों नहीं है? इसीलिए यह बताना मुश्किल है कि ये गुफाएं किसने बनाई और इनको बनाने के पीछे का मकसद क्या था। ये गुफाएं इतनी बड़ी हैं कि इस बात पर भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इंसानों ने केवल हथौड़ी और छेनी का इस्तेमाल कर इन गुफाओं का निर्माण किया होगा। ऐसा लगता है कि इन्हें बनाने में एडवांस्ड मशीनों का इस्तेमाल किया गया होगा। इन गुफाओं के रहस्य की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है और आज भी पुरातत्व वैज्ञानिक इस खोज में जुटे हुए हैं। नंबर 3, द अंडरवाटर मॉन्यूमेंट ऑफ योनागुनी। सन 1986 में जापान के डाइवर्स जब योनागुनी आइलैंड के पास समुद्र में हैमरहेड शार्क पर रिसर्च कर रहे थे, तभी उन्हें समुद्र की गहराई में एक अजीब तरह का स्ट्रक्चर नजर आया। समुद्र के नीचे इतनी गहराई में ऐसे ही किसी मानव निर्मित स्ट्रक्चर का होना असंभव लगता है। शुरुआत में तो वैज्ञानिकों ने इसे नेचुरली बना स्ट्रक्चर मान लिया था, लेकिन इसका आकार देखकर इस बात पर यकीन करना नामुमकिन है कि ऐसी चीज नेचुरली फॉर्म हुई होगी। पुरातत्व वैज्ञानिकों के मुताबिक ये स्ट्रक्चर आखिरी शीत युग के पहले बनाया गया होगा, यानी कि यह स्ट्रक्चर करीब 12,000 साल पुराना है। मतलब कि यह स्ट्रक्चर मिस्र के पिरामिड से भी पुराना है, लेकिन इस बात का अभी तक पता नहीं चला कि आखिर इसे बनाया किसने होगा। यह स्ट्रक्चर भी आज एक मिस्ट्री बनकर ही रह गया है। नंबर 4, द नाइफ ऑफ जायंट्स। दोस्तों क्या हमारी पृथ्वी पर विशालकाय दानवीय आकार वाले मनुष्यों का अस्तित्व था? क्या प्राचीन गाथाओं में जिक्र किए गए दानव सच में धरती पर मौजूद थे? और हाँ, समुद्र की गहराई में मिली
ये नाइफ तो इसी ओर इशारा करती है कि धरती पर जायंट्स का अस्तित्व था। ये नाइफ इतनी बड़ी है कि कोई साधारण मानव इसे उठा तक नहीं सकता। और अगर ये बात सच है तो आज हम लोग हमारी ही पृथ्वी के इतिहास के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। शायद धरती के गर्भ में ऐसे कई राज दफन हैं जिनसे आज भी हम लोग अनजान हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के चार रहस्यमयी आर्टिफैक्ट्स जिन्हें मैं आपके लिए खोज कर लाया था। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।